बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे टूल के बारे में बताने वाला हूं जिससे अगर आप SEO कर लेते हैं तो आपकी वीडियो की 100% चांस है कि वो वायरल हो जाएगी। इसका मैं एक आपको प्रूफ भी दिखाने वाला हूं कि किस तरह ये वायरल होगी और किस तरह आपने इस पर काम करना है। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है। ये एक ऐसा टूल्स हैं जिसको सब लोग जानते हैं, लेकिन असल मसला ये है कि इसको यूज़ करना कोई नहीं जानता। और ये टूल दिन ब दिन जो है ना वो अपडेट्स होता जा रहा है। अभी इसमें जो है ना AI के कुछ फंक्शन ऐड किए हैं, कुछ एक्सटेंशन ऐड किए हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और इस पर मैं प्रॉपर आपको SEO भी सिखाने वाला हूँ कि किस तरह आपने इससे SEO करनी है। तो सबसे पहले मैं एक वीडियो के एक शॉर्ट रिव्यू आपको दे देता हूँ। ये जो लास्ट हमने एक हफ्ते वीडियो पहले अपलोड की थी, ये आप लोगों ने सबने देखी थी, तो इस पे व्यूज़ पहले बहुत कम थे। जब मैंने ये तरीका इस पे यूज़ किया तो ये वीडियो चल पड़ी है। अब ये देख लो, आपको लाइव नज़र आ रहा है, इस पे 55 व्यूज़ आए हैं लास्ट एक घंटे में। तो ये बहुत ही कम हैं, लेकिन फिर भी बेहतर हैं बजाय इन बाकी वीडियोस के कि वो रुकी हुई है। एक ही व्यूज़ आपका आना चाहिए घंटे में, लेकिन आपकी वीडियो रुकने नहीं चाहिए। तो ये वीडियो अभी देख लो, ये 2300 इस पे व्यूज़ आ गए 11 दिन में, और ये अभी भी जारी हैं, चल रही हैं। इस तरह अगर आप इस पे आ जाएं तो ये भी खुद ब खुद जा रही हैं, ये रुकी हुई है और ये जा रही है। ठीक है, ये दो जा रहे हैं, हम वीडियो पे व्यूज़ आते हैं। दोस्तों, आपके एक व्यूज़ आता है, दो आता है, ये मैटर नहीं करता है, ये आपके हज़ार आता है। मसला ये होता है कि जब आपकी वीडियो रुक जाती है, जब वीडियो रुक जाती है तो तब वो मसला होता है। तो ये मैंने किस तरह किया है, इसके लिए ये जो टूल यूज़ हो रहा है वो उसको आप सब लोग जानते हैं, VidIQ। अगर आप लोग नहीं जानते तो ये वीडियो फिर भी आपके लिए है। अगर आप जानते हैं फिर भी जो है ना आपने ये वीडियो लास्ट भी देखनी है, क्योंकि जो न्यू इसमें टेक्निक्स है वो मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह आपने इसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले सिंपली आपने इधर क्रोम में आना है और यहाँ पे VidIQ लिखना है और इसको आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद अगर यहाँ पे आ जाए, ठीक है, ये अभी मैंने ऐड किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं SEO बाद में सिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं इसका ओवरव्यू देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह आपने इसको यूज़ करना है। क्योंकि अगर आप इन टॉपिक्स पे काम करते हैं ना, जिस तरह ये डेली आइडियाज़ है, तो ये जो डेली आइडियाज़ होते हैं ये आपके चैनल रिलेटेड होती हैं। जो आपका चैनल है ना, खास कर ये मेरा चैनल है, मैं किस पे काम करता हूँ, मैं यूट्यूब SEO पे काम करता हूँ, ठीक है ना। तो ये इन्होंने मुझे खुद सजेस्ट किए कि अगर आप इस पे जो है ना काम कर लें तो आपके व्यूज़ वेरी हाई मीडियम ये आ सकते हैं। ठीक है, तो डेली आइडिया पे आप लोगों ने जाना है और यहाँ पे आप इस आइडिया को सेव भी कर सकते हैं और यहाँ पे डिसमिस भी कर सकते हैं। जब आप इसको सेव कर लेंगे तो ये आपके पास सेव आइडिया में यहाँ पे शो होगी, यहाँ से आप जो है ना इस पे वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर इन टॉपिक्स पे आप वीडियो बनाएं और आपको पता नहीं चल रहा है कि मतलब आपको कोई चैनल है कि मैं किस टॉपिक पे काम कर लूँ, तो इस तरह आप इससे ये फ़ायदा ले सकते हैं कि आपको डेली आइडिया मिल जाता है और उसी वीडियो पे अगर आप वीडियो बना लें उस टॉपिक पे तो यकीनन आपकी वीडियो वायरल होगी। इसके बाद जाते हैं नेक्स्ट, उसमें कीवर्ड्स हम रिसर्च करते हैं कि इसमें कीवर्ड्स हमने कैसे रिसर्च करने हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं कीवर्ड्स में। दोस्तों, यही वो मेन चीज़ है जो लोगों को नहीं पता होता कि हमने किस तरह मतलब इसको यूज़ करना है। फ़र्ज़ करिए ये कीवर्ड्स पे आप आ गए, यहाँ पे मैं SEO सर्च करता हूँ, ठीक है, और मैं इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, मुझे ये शो कर रहे हैं कि इसके कंपटीशन लो है। हम जितने भी जो न्यू यूट्यूबर होते हैं ना, वो हम कॉपी करते हैं, हाई जो हमारे सीनियर लोग हैं जिसके मिलियंस में व्यूज़ आते हैं उसको कॉपी करते हैं, उसका टॉपिक पे हम वीडियो बनाते हैं, फिर वो ना हमारी वीडियो सर्च में आती है, ना रैंक करती है और ना उस पर कोई व्यूज़ आते हैं। तो आपने ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करना है जिस पे कंपटीशन लो। और इसको कैसे पता चलेगा, आपने जिस टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो आप यहाँ पे सर्च करें कीवर्ड में, यहाँ पे देख लो ये आपको कंपटीशन बता रहे हैं, सर्च वॉल्यूम देखे करोड़ों में है और इसका कंपटीशन कुछ भी नहीं है। तो आपने हमेशा लो कंपटीशन पे काम करना है और यहाँ से आपको और भी कीवर्ड्स मिल जाती हैं। देख लो, ये फुल SEO कोर्स मैचिंग टर्म्स है ये, ठीक है, ये आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर आप इस पर क्लिक कर लें तो ये देखो ये कॉपी हो गई है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस हैं, मतलब जिस तरह हम कोई सर्च करते हैं हाउ टू डू SEO, हाउ टू इंक्रीज व्यूज़, तो ये भी आपको कीवर्ड यहाँ से मिल जाते हैं।
और ये भी आपको मिल जाते हैं, रिलेटेड कीवर्ड्स भी मिल जाते हैं। तो आपके कंप्लीट जो है ना एसईओ का जो कीवर्ड्स मसला है वो आपके कीवर्ड सेक्शन में हल हो जाता है। तो आपने जस्ट यहाँ पे आना है, टॉपिक सर्च करनी है और उसका सर्च वॉल्यूम देखना है। अगर किसी का ज़्यादा है या मीडियम है तो आपने उस पर कभी भी काम नहीं करना है, आपने हमेशा लो कंपटीशन में काम करना है। अच्छा, तो नेक्स्ट जो इसमें टूल है ना जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उसमें एआई कोच है। ठीक है, एआई कोच में आप आ जाते हैं तो ये आपके चैनल के बेस पे यहाँ पे आपको क्वेश्चंस और वो देते हैं कि अगर आपने कोई वीडियो बनानी है या कोई टॉपिक्स हैं आपका तो आपने उसको कैसे जो है ना इस पर वीडियो बनानी है। ठीक है, या आपने व्यूज़ को दी, अब मैं इसको ट्राई करके दिखाता हूँ हाउ टू डू आई गेट मोर व्यूज। ठीक है, ये आपके चैनल के बेस पे वो आपको बता रहे हैं कि आपने व्यूज़ कैसे हासिल करने हैं। तो थोड़ी सी टाइम के दिए, देखो मेरे चैनल का नाम आ गया और ये उसने कंप्लीट बता दिया कि आपके कितने वो हैं। तो टारगेट ऑडियंस मतलब आपने उसको करना है, वीडियो आइडियाज उसने बता दिया है। ठीक है, ये सारे आपने डिटेल से पढ़ना है, मैं वन बाई वन पढ़ूंगा तो ये बहुत जो है ना टाइम लेंगे। यहाँ से आप स्टॉप जनरेटिंग भी कर सकते हैं, मैं फिलहाल स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है ना इसने मुझे बता दिया कि मैं अपनी व्यूज़ को कैसे बढ़ा सकता हूँ। तो ये एआई का है, ये आपके चैनल को सर्च करता है, पढ़ लेता है और इस बेस पे जो है ना आपको बता देता है कि आपने किस तरह इसमें इम्प्रूवमेंट करनी है। तो दोस्तों, अगर आप इस टूल को सही यूज़ करना चाहते हैं तो आप इन सारी बातों पर आपने अमल करना है, यहाँ पर आ जाना है। इसमें बहुत सारे इसको एक्सटेंड डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप कंपटीटर भी देख सकते हैं जो आपके चैनल पर, मैं एसईओ पे काम करता हूँ, जो मेरे रिलेटेड लोग हैं उसको किस तरह काम करते हैं। ठीक है, उसके लिए उस पर ये सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे एसईओ का सेक्शन है। ठीक है, ये आप अगर आपने अपग्रेड करना है तो ये सारे आप डिटेल से खुद देख लें वन बाई वन। कोई मसला आपको आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट में बता दें, मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर बता लूँगा। अच्छा, इस पर हमने एसईओ कैसे करनी है वो तरीका मैं बता देता हूँ। ठीक है, हमने कीवर्ड फाइंड कर दिया, हमें वहाँ पे सर्च वॉल्यूम से पता चल गया कि जो YouTube डिस्क्रिप्शन है, फ़र्ज़ करें YouTube डिस्क्रिप्शन के मिस्टेक्स हैं तो वो सही नहीं है, मतलब उसका जो वॉल्यूम है ना वो ज़्यादा है और जो इसका कंपटीशन है वो कम है। तो उस पर मैंने बना दिया, मैंने फ़र्ज़ कर रेंडमली यहाँ पे मैंने एक टाइटल दे दिया, जिस तरह हम वीडियो को अपलोड करते हैं उस पर टाइटल आ जाता है। तो आपने यहाँ से ये जो आपको नज़र आ रहा है ना गेट टू AI रिकमेंडेशन, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ कि आप लोगों को प्रॉपर समझ आ सके। यहाँ से ये ट्यूब बॉडी से भी आप टाइटल ले सकते हैं और AI से भी आप ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्शन आ जाता है, तो डिस्क्रिप्शन भी हम AI रिकमेंडेशन यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, फर्ज करें मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने जस्ट SEO या जो भी चीज़ आपने लिखनी है, जिस वीडियो का आपने डिस्क्रिप्शन बनाना है, इस पर आप जनरेट कर लें तो ये जनरेट कर देगा प्रॉपरली आपको AI रिलेटेड। ठीक है, आपने इसको कॉपी करना है सीधा और वहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो तब हमारे पास क्या मसला होता है, थंबनेल का हमारे पास होता है, तो यहाँ से आप इसको इसका थंबनेल भी क्रिएट कर सकते हैं, खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको भी ट्राई कर लें कि किस तरह काम करते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पे टैग्स का मसला आ जाता है कि टैग्स किस तरह है। ठीक है, ये यहाँ पे आपने कोई चंद टैग्स देने हैं, इसके बाद जो है ना आपने यहाँ से जो रिकमेंडेशन में आती है ना, ठीक है, ये YouTube डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये मुझे रिकमेंड करता है, इसका जो है सर्च वॉल्यूम भी बताते हैं, तो मैंने इसको प्लस निशान पे क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, ये इसको भी मैंने कर देना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे रिफ्रेश टैग करना है मोर, कि ये और नए आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपने इस तरह कर करके ना कंप्लीट SEO करनी है। सबसे पहले जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, चीज़ है, वो है क्या है, सर्च वॉल्यूम है कि आपने टॉपिक सर्च की। इसके बाद जो है ना SEO इससे बहुत ही आसान है, आपने जस्ट एक सिंपल टाइटल देना है, वीडियो अपलोड करनी है, यहाँ से आपने टाइटल लेना है, डिस्क्रिप्शन लेना है, थंबनेल लेना है, टैग लेना है। ये दोस्तों बहुत ही जो है ना अच्छा टूल्स है। अगर ये लास्ट वीडियो में आपको दिखा दो, इससे मैंने की थी कि ये किस तरह इसके जो है काम करते हैं, मैं बताता हूँ। ये आ गया, मैं कस्टमाइज चैनल में आ गया हूँ। तो इससे अगर आप करते हैं SEO तो आपके व्यूज़ लाजमी आएंगे, ये 100% श्योर है। अगर आप इस पे काम करते हैं तो ये 100% श्योर है। ये वीडियो में आपको एक और दिखा दे, ये लास्ट वाली वीडियो में आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा टूल आप लोगों को बताया। तो ये मैंने इससे रिकमेंड किया था और इसका कंपटीशन बहुत ही कम था, तो फिर मैंने यहाँ से टाइटल भी लिया है, यहाँ से मैंने इसका डिस्क्रिप्शन भी जनरेट किया यहाँ से। ठीक है, और फिर मैंने इससे टैग्स लिए, ये जो टैग सेक्शन है ये जो इंपॉर्टेंट बात, ये देखो ये सारे सर्च में आ रहे हैं,
मेरी वीडियो जा रही है, इस पे व्यूज़ आ रहे हैं, 4-4, 5-5, 6-6 व्यूज़ आ रहे हैं और ये अभी बढ़ रही हैं, पहले लो चल रही थी अभी बढ़ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है ना इसके टैग्स ले सकते हैं, अगर ये आप खुद रिकमेंड कर लें तो आपका स्कोर जो है ना 50/50 या 100/100 आ जाता है। जब ये आ जाते हैं और आप स्क्रीन ग्रीन हो जाता है, ठीक है। अब ये जो कि इस वीडियो का स्कोर यहाँ पे अगर आप दे सकें 48.7 हैं 50 में से, ये बहुत ही हाई स्कोर है। अगर ये ग्रीन हो जाता है ना यहाँ पे जो आपको नज़र आता है, ठीक है, तो ये जो है ना स्कोर अच्छा होता है SEO का। तो आप इंशाल्लाह इसको ट्राई कर लें। मैंने वीडियो जल्दी जल्दी बनाई ताकि ज़्यादा आप लोगों का टाइम ना लूँ, बाकी आप इस टूल को प्रॉपरली यूज़ कर लें और इससे फ़ायदे उठाएँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।